हेलो गाइस, जैसा कि आपसे आपको पता है, जैसे कि आज जेट का एग्ज़ाम अपना लगा है और अपने जेट वाले भाई बड़े अच्छे तरीके से पेपर को करके आए हैं और एग्रीकल्चर का पेपर भी बहुत सरल है। चलिए अपन इसको फास्ट फास्ट एक बार इसके आंसर की देख लेते हैं और इसका जो विस्तृत रूप है अपने वो बाद में अपन देखेंगे। चलिए तो अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि रानीखेत नामक बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रजाति के जानवर की होती है। जो रानीखेत बीमारी है वो कौन से प्रजाति के जानवर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन दो नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दो नंबर क्या बताता है अपन को, सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पीजीआर का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। कौन से पीजीआर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन नहीं होगा और इसमें इथेलिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जूट के रेसा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के रेसे किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। जूट के रेसे को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका थर्ड आंसर बिल्कुल राइट होगा, रेटिंग द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बता रहा है, राजस्थान की शीर्ष दो बीज मसाले वाली फसलें, मतलब कि राजस्थान में ये शीर्ष उत्पादन में भी शीर्ष है और सर्वाधिक इसका एरिया भी है। तो ऐसी कौन सी फसलें जो शीर्ष में है। तो इसमें जीरा और मेथी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम जल उपयोग क्षमता प्राप्त की जा सकती है, बूंद बूंद सिंचाई से अधिकतम अपन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास का मुख्यालय आनंद गुजरात में है, ठीक है। ग्लोडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। बता रहे हैं कि ग्लोडियोलस है उसका व्यावसायिक प्रवर्धन अपन क्रोम कॉर्म के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कृतंत के जड़ हेतु मुख्य रूप से कौन से विकास नियामक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आएगा IB, ये इंडोल थ्रीब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को गरीब के भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपन इसमें दो जगह आकर अटकते हैं, यहाँ देखते हैं ज्वार होगा या फिर बाजरा, फिर लास्ट एंड में जाते हैं तो अपन को इसका राइट आंसर बाजरा ही मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर में प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है। बेर में अपन प्रवर्धन करते हैं, उसमें अपन रिंग बडिंग करते हैं, मतलब कि इसमें रिंग दे नहीं रखा, तो इसमें आएगा बडिंग राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। उड़द और मूंग द्वारा मिट्टी में खाली जगह किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का स्तरीकरण करते हैं। बता रहा है कि मूंग और उड़द में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्तरीकरण की जाती है, ठीक है, मूंग और उड़द के द्वारा। तो इसमें 50 से 55 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में इनमें से क्या तना कलम, मतलब कलम का मतलब कटिंग का प्रकार नहीं है। तो सारे इसमें देखते हैं कौन सा है, ये भी वुड हार्डवुड कटिंग आ गया, सॉफ्ट वुड कटिंग आ गया और ये सेमी वुड कटिंग। तो इसका रूट कटिंग, इसमें पूछा है तने का नहीं है, तो ये तो भाई जड़ है, तो इसका सेकंड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है अपन को, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी गेहूँ नहीं है। निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूँ नहीं है, तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट होगा, फोर्थ टिट्रिकम ड्यूरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है अपन को, एजोटोबैक्टर है सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीगण बैक्टीरिया। फिर सेकंड बता रहा है, सेकंड क्या है आंसर इसका, ऑप्शन देखते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीगण कवक, ये बैक्टीरिया ये कवक, मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्त्रीगण बैक्टीरिया और मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्त्रीगण कवक। तो इसमें एक तो सहजीवी होते हैं, एक असहजीवी, असहजीवी को अपन बोलते हैं, असहजीवी मतलब नाइट्रोजन के अपने जड़ों के साथ नहीं होते हैं, असहजीवी होते हैं, तो उनको बोलते हैं मुक्त जीवी भी अपन बोल सकते हैं। तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है अपन को, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। अपन को पता है दूध में फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पर आयरन नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। मृदा में जल के नीचे की ओर गति करना क्या गति करने को कहते हैं। मृदा है उसमें जल को नीचे गति करने को क्या बोलते हैं। अपन देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसमें लीचिंग मतलब कि पोषक तत्वों के साथ होगा, इसमें राइट आंसर परकोलेशन होगा। मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है सामान्य, उच्चतर, उतार सामान्य से कम और उतार चढ़ाव, तो इसमें सामान्य से कम होगा, ठीक है। इसका सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा बाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता? एक पूछ रहा है कि इसमें चार ऑप्शन है, उसमें से एक ऐसा बाग है जो बगीचे प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें फसल सुधार नहीं आएगा, बाकी कटाई छटाई सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन कीट एवं रोग सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पालक में कौन सा पालक कौन से वानस्पतिक परिवार से संबंधित है? तो इसमें आएगा चिनोपोडियोसी, थर्ड आंसर बिल्कुल राइट होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल भी है, विग्ना मूंगो, और मूंग का विग्ना रेडिएटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बता रहा है, फूलगोभी में वी पटेल रोग है, ये किसकी कमी के कारण होता है? वी पटेल है, ये मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है, और मोस्ट ऑफली एग्जाम में क्वेश्चन ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेपसीड और सरसों में 1000 बीजों का वजन कितना होता है? 3 से 5 ग्राम। ठीक है, बकरी में वयस्क नर को क्या कहते हैं? बकरी में जो वयस्क नर होता है उसे क्या बोलते हैं? बक बोलते हैं। ठीक है, और रोम बेड में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 24 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको देखते हैं अपन क्या है 24 नंबर का क्वेश्चन। रोपण में हेक्सागोनल प्रणाली रोपण की वृक्ष प्रणाली की तुलना में खाली जगह प्रतिशत अतिरिक्त पौधे लगते हैं? इसमें पूछ रहा है, एक तो आपकी वर्गाकार है और एक हेक्सागोनल प्रणाली, इसमें दोनों ये जो है इसमें वर्गाकार की अपेक्षा कितने पौधे एक्स्ट्रा लगते हैं? तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटोसिस जुगाली करने वाले की एक बीमारी है जो कि किसके कारण होती है? किटोसिस है, ये जुगाली करने वाले पशु हैं, उनकी एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? कार्बोहाइड्रेट वाष्पशील फैटी एसिड के बिगाड़ वो उपापचयी, कुल मिला के ये उपापचयी रोग है। ठीक है, इसका थर्ड आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 27 नंबर क्वेश्चन। मेथी का कुल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और मेथी का फेबेसी है। हाल अब नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन युक्त आलू की कौन सी किस्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो राइट होगा वो बादशाह भी नहीं है, मानिक भी नहीं है, सीतमान, इसका 100% राइट कुफरी कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मवेशी मतलब कि अपने गाय में, और 60 होती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्षित आर्द्रता को अपन मापते हैं। ठीक, सापेक्षित आर्द्रता सेकंड आंसर इसका राइट होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? कौन सा जानवर है जो जुगाली करता है? सुअर नहीं करता है, मुर्गा नहीं करता है, कुत्ता भी नहीं करता है, भैंस, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत है जो में फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, 311 मिलियन। ठीक है, मिलियन टन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। विश्व में सर्वाधिक गोजातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? गोजातीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ कौन सा देश है? वो है ब्राज़ील, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, गायों का पूछ रहा है। ठीक है, भैंस अपने भारत में। अब अपन 34 क्वेश्चन को देखेंगे। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है? प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो प्रोजेस्ट्रॉन एक फीमेल हार्मोन है और वो अंडाशय द्वारा किया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन अधिवरक मतलब कि मेल हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या बता रहा है? दान है एक सौपरागित, परपरागित, अक्सर सौपरागित। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो धान आपको पता ही है, सौपरागित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन नंबर है। पश्चिम में नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? ये जीवाणुओं की प्रजाति दे रखी है और अपने को बरसिम के लिए पूछा है, तो फेजियोलाई नहीं होगी, जापोनिकम नहीं होगी, और इसके लिए ट्राइफोलाई होगी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित ताप क्या होता है? प्याज में उचित ताप क्या होता है बल्ब विकास के या बल्ब विकास के लिए? तो इसमें 15 से 25, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पुष्प सामान्यतः विच्छिन्न पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो होगा जरबेरी नहीं होगा, इसमें थर्ड सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन गेंदा सही होगा। ओस को मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और
इसको इस हिसाब से भी आप याद रखते हो, उसके जो बूंदे होती है उसे ड्रॉप्स बोलते हैं, और उससे थर्ड ऑप्शन राइट होगा ड्रोसो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, अर्कारक्षक किसकी किस्म है? अर्कारक्षक टमाटर की किस्म है। ये अपने 40 क्वेश्चन जेट में पूछता है, और अपन ने ये एग्रीकल्चर के 40 और 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, और प्रतीक्षा कीजिए नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू।